नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने तबले से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हमारे डे बाय डे लेसन से जुड़ी हुई है। तो पीछे डे बाय डे लेसन में हमने तीन ताल का एक कायदा और उसका एक पलटा किया था। तो वो कायदा था धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धागे तिन्ना किन्ना ताती ता तिरकिट तक तिरकिट धाती धागे दिन्ना गिन्ना धा। तो ये हमारा कायदा था और इसका हमने एक पलटा कर लिया था। पलटे के बोल थे, जो पहला पलटा किया था हमने, धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धागे तिन्ना किन्ना ताती ता तिरकिट तक तिरकिट धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धागे दिन्ना गिन्ना। तो हमारा ये फर्स्ट पलटा हमने कर लिया था और पीछे मैंने कायदा तो आपको बता ही दिया। तो आज हम दूसरा पलटा करेंगे और दूसरा पलटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डे बाई डे हमारा लेसन, जैसे जैसे हम डे बाई डे लेसन करते जाएंगे और जैसे जैसे हम टेक्निक से अच्छे ढंग से रियाज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो बोल है तबले के वो बहुत सुंदर निकलेंगे और बिल्कुल साफ स्पष्ट निकलेंगे और कोई भी हम उसको बजाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए डे बाई डे लेसन का आप रियाज हर रोज़ करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए दूसरा पलटा शुरू करते हैं। और आप सबसे पहले, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में से देखकर इस पलटे को लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं, दूसरा पलटा है। इसके बोल हैं, पहले मैं आपको बोल बता रहा हूँ। तो इसके बोल हैं धाती धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धागे तिन्ना किन्ना ताती ताती ता तिरकिट तक तिरकिट धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धागे दिन्ना गेना धा। तो ये इसके बोल हैं। तो देखिए इसको बजाना कैसे है, पहले मैं आपको बजाकर दिखा देता हूँ और इसको, इसके हर बोल को कैसे बजाना है और कैसे निकालना है तबले पर, वो आपने कैसे ध्यान से निकालना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। धाती धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धागे तिन्ना किन्ना ताती ताती ता तिरकिट तक तिरकिट धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धागे तिन्ना किन्ना। तो ये इसके बोल हैं। तो इसको एक बार मैं स्लो स्पीड में बजा रहा हूँ और बीच बीच में मैं आपको कुछ बोलों को कुछ बोलों के बारे में ये बताने वाला हूँ कि जो बोल आपने इस टेक्निक से ही निकालने हैं, अगर उनको आप अपनी टेक्निक से या अलग तरह निकालेंगे तो फिर अच्छे ढंग से आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। तो इसलिए जैसे मैं आपको बोल बता रहा हूँ वैसे ही आपने निकालने हैं। अब देखिए, धाती धाती धा तिरकिट तक तिरकिट धाती धाती धा तिरकिट तक तिरकिट। तो देखिए इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो ती निकालना है वो आपने क्या करना है, सेकंड फिंगर से स्याही के बीच में निकालना है। कैसे, देखिए धाती, तो ये वाला ती मैं आपको बोल रहा हूँ धाती 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 धाती। फिर देख लीजिए धाती धाती, तो बस इसको ऐसे निकालना है धाती धाती धा तेरे किट तेरे किट धा तेरे किट तेरे किट। तो ये हो गया। इसके बाद दाती दा तिरकिट तक तिरकिट दाती दागे तिन्ना किन्ना। तो ये कायदे की जो पहली पंक्ति है उससे जुड़े हुए बोल हैं। तो देखिए दाती दा तिरकिट तक तिरकिट दाती दागे तिन्ना किन्ना। तो ये हो गए। इसके बाद है हमारा ताती ताती, तो वो भी आपने सेकंड फिंगर से ही ती बजाना है ताती ताती ता तिरकिट तक तिरकिट। फिर देख लीजिए ताती ताती, तो अगर आप इसको ताती ताती अगर ऐसे बजाएंगे तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, और अगर आप इसको गलत बजाएंगे या इस तरीके से नहीं बजाएंगे तो फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है स्पीड की। क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि धा तिरकिट तक तिरकिट में जो आप सर पलटा करवाते हैं या कायदा करवाते हैं उसमें स्पीड नहीं बन पा रही है, तो कारण यही होते हैं, सही टेक्निक में रियाज करें और जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपने रियाज करना है। तो चलिए इसको बजाते हैं। अब मैं पहले बिल्कुल स्लो स्पीड में इसको बजा रहा हूँ।
जैसे आपने इसको बजाना है स्लो स्पीड में शुरू करना है और फिर धीरे 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 इसे हाई कंफर्टेबल स्पीड में लेकर जाना है। तो चलिए अब इसको थोड़ा स्पीड में बजाते हैं, तो देखिए ये कितना सुंदर लगता है। तो देखिए ये कितना सुंदर लगता है, तो इसको थोड़ा और स्पीड में बजाते हैं। तो ऐसे आप धीरे 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 स्पीड को बढ़ाएं। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि सर हमें स्पीड को कैसे एडजस्ट करना है, तो देखिए बिल्कुल स्लो स्पीड में, जैसे मैं आपको हर डे में एक लेसन बताता हूँ, तो उसका बिल्कुल स्लो स्पीड में आपने रियाज शुरू करना है उस दिन का, और फिर धीरे 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 उसको हाई कंफर्टेबल स्पीड की तरफ लेकर जाना है। और जब आपको लगे कि आप हाई कंफर्टेबल स्पीड में यानी कि हाई स्पीड में अच्छा बजा रहे हैं उस लेसन को, तो फिर आपने अगले लेसन की तरफ यानी कि अगले दिन के रियाज की तरफ जाना है। तो ऐसे ही आपने डे बाई डे लेसन जो हो चल रहे हैं हमारे चैनल पर उनका रियाज करते जाना है। तो एक दोस्त ने ये भी पूछा था कि सर जैसे हमें आप डे बाय डे जो लेसन दे रहे हैं, तो अगर हम इनका ऐसे रियाज ना करें, तो मान लीजिए जैसे हम बीच में हमारा रियाज छूट जाता है हम फिर शुरू कर दें, तो देखिए ऐसा करने से वैसे तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं आने वाली है। बस एक ही होता है, जैसे हमारा रियाज अगर हर रोज होता है तो हमारा जो लगातार रियाज करने से हमारा जो स्टेमिना है और जो हमारे बोलों के ऊपर जो पकड़ है वो बहुत अच्छी बनना शुरू हो जाती है, और फिर हमें तबले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती हर रोज़ रियाज करने से। परंतु अगर बीच में गैप पड़ जाए या फिर आप बीच में रियाज छोड़ देते हैं, तो फिर इससे क्या होता है कि आप तबला अच्छा नहीं बजा पाएंगे और जो बोल आपके स्पष्ट निकल रहे थे वो भी आपके ये हो सकता है कि आगे चलकर स्पष्ट ना निकले, क्योंकि आप में आपका जो रियाज है वो बीच में छूट जाता है। तो इसलिए लगातार जो ज़रूरी हो जाता है रियाज हर रोज़, इसलिए हर रोज़ अच्छे ढंग से रियाज करते रहें। तो ये मेरे दोस्त ने क्वेश्चन किया था, उनको ये आंसर मिल गया होगा। तो एक दोस्त ने ये कहा था कि सर हमें धीरे धीरे का कायदा और उसके आगे पलटे करवाए जाएँ और उसको नगमे के साथ कैसे बजाना है वो भी हमें बताया जाए। तो देखिए धा तरिकेट तक तरिकेट के इस ये जो हमारा कायदा है इसके पलटे और तिहाई और कुछ इसमें हम रेले और परण भी करेंगे। ये करने के बाद हम धीरे धीरे के कायदे और उसके जो आगे पलटे हैं और तिहाइयां हैं वो हम करेंगे नगमे के साथ करेंगे। लास्ट में मैं वीडियो में जब हमारे सारे पलटे हो जाते हैं तिहाई हो जाती है किसी भी कायदे की उसके आगे पलटे तिहाई हो जाती है, तो मैं लास्ट में फिर नगमे के साथ उसे प्ले करके बताता हूँ। तो नगमे के साथ सारे पलटे होते हैं, कायदा होता है और तिहाइयाँ होती हैं, तो इससे क्या है कि आपको सारा कुछ समझ आ जाता है। तो ऐसे ही आगे जो आपकी वीडियो है धीरे धीरे वाले कायदे की, आपने कहा है कि पलटे उसके कायदा पलटे और तिहाई जरूर बताएं, तो वो आने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें, ये जो डे बाई डे लेसन है करते हुए आगे बढ़ें और फिर धीरे धीरे का जो लेसन है वो जल्दी ही आपके सामने आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बड़ी ही आसानी से कुछ ही महीनों में और कुछ ही सालों में बहुत अच्छा तबला बजा सके। और अगर आपके मन में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है, तो आप बिना झिझक किए कमेंट में उस मैसेज को डालें। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से अगर आपकी कोई समस्या है या कोई प्रश्न है उसका हल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा और कोशिश करूंगा जो आपकी समस्या है वो जल्दी हल हो जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।